हाय गाइस, वेलकम, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरु में आपका। आज मैं आपको इंग्लिश कीबोर्ड के माध्यम से हिंदी टाइपिंग कराना बताऊंगा कि किस प्रकार हम बिना किसी सॉफ्टवेयर के इंग्लिश कीबोर्ड से हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आपको लैंग्वेज में जाना है। लैंग्वेज में यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऐड लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है आपको। यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पहले से ऐड है। यहाँ से आपको हिंदी जो लैंग्वेज है उसको ऐड करना है। आप इसको टाइपिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, सर्च के माध्यम से। जैसे इसको नेक्स्ट करेंगे, देखिए दोस्तों, ये 14 जो MB है, 14 MB, ये आपको इंस्टॉल करना है। इसको कुछ सेकंड का समय लेगा आपके पास। जैसे ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। चाहे वो आपको MS वर्ड या एक्सेल का कोई कार्य करना हो हिंदी में, या फिर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हो, तो उसमें भी आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्टॉल हो रही है अभी। कुछ सेकंड का समय लेगा। गेट दोस्तों, हमारी जो फाइल है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको जो हिंदी आपने इंस्टॉल की है उसके ऊपर जाना है, क्लिक करना है। ऑप्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्लिक करके आपको कीबोर्ड है यहाँ पर, ऐड कीबोर्ड में हिंदी फोनेटिक जो कीबोर्ड है उसको दर्ज करना है। ट्रेडिशनल को आप हटा सकते हैं। देखिए, हिंदी फोनेटिक, अब आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के हिंदी टाइपिंग कर पाएंगे। तो जैसे आप, हमने यहाँ से सेलेक्ट किया, वर्ड की फाइल है। तो दोस्तों, देख सकते हो कि आप कितनी आसानी से हम जो टाइपिंग है, हिंदी टाइपिंग, वो कर पा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आप यहाँ से हिंदी लैंग्वेज लेना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की भी है। आप अल्टा और शिफ्ट को दबाएंगे तो वो लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगी, और वापस अल्टा और शिफ्ट को दबाएंगे तो वो हिंदी हो जाएगी। तो इस प्रकार आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू।